दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक रिएक्शन को समझेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाल है, मिसाल के ज़रिए समझेंगे, है ना। टॉपिक है राज चिक का तरीका। राज चिक्स प्रोसेस, ये तरीके से हम इसको समझेंगे। और मिसाल को इस तरह समझेंगे, जब तक रूम है, इस रूम में सीएल नाम का एक इंसान रहता है जिसमें 3 बेड है, ठीक है। जैसा कि ये सीएल नाम का इंसान इस रूम में रहता है, तो इस रूम को एक नाम है स्पेशल, क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन इस नाम से इस रूम को जाना जाता है क्योंकि ये सीएल नाम का इंसान इसमें रहता है, ठीक है। अब इस रूम में 2 बेड खाली है, 2 बेड की जगह खाली है, इसलिए कुछ लोग इसे रूम को देखने के लिए आते हैं। 3 लोग आते हैं, जैसे कि आयश नाम के 2 लोग और ओ नाम का एक इंसान, ठीक है। तो इस रूम को ये देखने के लिए आए और इनके बीच में कुछ बात हुई, कुछ बातें इनके बीच में हुई, और यहाँ पर कुछ पड़ोसी भी थे मौजूद, CA3 और PO4 नाम के 2 अलग अलग लोग थे, और यहाँ पर टेम्परेचर था 698 डिग्री केल्विन पर, इतना टेम्परेचर भी था यहाँ पर मौजूद। और इनकी बातें होने के बाद, आपस में इनकी ये रूम में आने के बाद इनकी आपस में बातचीत होने के बाद रूम की कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे, कौन इस रूम में रहा और कौन गया। जैसे कि कुछ लोग आने के बाद इस रूम में कुछ लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसलिए इस रूम में से कुछ लोग चले गए, है ना। तो इस रूम में आप कौन कौन रहता है, ओ और एच इस रूम में रहे, एक एच और एक ओ इस रूम में रहे, बाकी सब लोग चले गए। इस एल ने क्या किया, इस एच को लेकर चले गया। यहाँ पर एच 2 थे ना, 2 एच नाम के आए थे, तो इस एल ने क्या करा, एक एच को लेकर आगे चले गए, और ये एक एच और एक ओ यहाँ पर सेटल हो गए, ठीक है। तो ये एच और CL इस तरह से यहाँ पर बताया गया एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे कि OH नाम के 2 लोग इस रूम में रहते हैं, तो इस रूम को एक अलग नाम दिया गया। यहाँ पर चेंज क्या हुआ, बेड जो है तो रूम के एज इट इज़ है, जो रूम में बेड थे ना, बेड पलंग, तो वो रूम में एज इट इज़ है, जैसे यहाँ थे वैसे यहाँ पर भी है, सिर्फ मेंबर चेंज हुआ। पहले एक मेंबर रहता था, अब 2 मेंबर इसमें आ गए, ठीक है। तो इस रूम को क्या नाम दिया गया, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड, या कार्बोलिक एसिड, ठीक है, इस नाम से दिया गया। तो ये भाप है। अब इस रूम इस रिएक्शन के लिए हम नोट लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन को 698 केल्विन पर कैल्शियम फास्फेट या सिलिका तमासी आमिल की मौजूदगी में इंतहाई गर्म करने पर भाप बुखारात के साथ गर्म करने पर फिनॉल यानी कार्बोलिक एसिड तैयार होता है, फिनॉल यानी कार्बोलिक एसिड तैयार होता है। ये इस रिएक्शन को इस तरह समझाया गया है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।